आज है हम कैंपस लॉ सेंटर में, क्योंकि 17 फरवरी से आपके कॉलेजेस खुल रहे हैं। तो और काफ़ी लोगों की, जो मैंने जब LC2 की और LC1 की बिल्डिंग की वो मतलब कैंपस टूर कराया, तो काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी आ रही थी कि मतलब आ रहे थे कि भैया कैंपस लॉ सेंटर की भी तो वीडियो बना दो। तो आज हमारे साथ हमारी एक सीनियर रहेंगी जो आपको कैंपस लॉ सेंटर के बारे में बताएंगी। तो चलिए घुसते हैं, क्योंकि आज सैटरडे है तो आज यहाँ पर काफ़ी शांति है। ये हमारे दिनकर भैया की शॉप है, ये दिनकर बुक शॉप है, यहाँ पर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। और प्लस ये है पार्किंग, जिस यहाँ पे अभी एक एक गाड़ी खड़ी है, बाकी कुछ नहीं है। अभी चलो आगे की चीज़ें बताते हैं। फैकल्टी कैंपस लॉ सेंटर, जैसे कि आप लोगों की 17 फरवरी से क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो हमने सोचा चलो आपको कैंपस लॉ सेंटर की सैर कराते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अभी अब मेरे को चलो स्टार्ट करते हैं सीट्स से। कितनी सीट्स हैं लॉ फैकल्टी में? यहाँ पर 3000 प्लस सीटें हैं। और कैंपस लॉ सेंटर की बात करें तो 950 प्लस सीटें हैं। हाँ, 950 के आसपास सीट्स हैं इसकी। अच्छा ठीक। तो कैंपस लॉ सेंटर से मैं अगर आपसे पूछूं, आप कब यहाँ से पास हुई थी और कैसा रहा आपका सफर यहाँ पे? मैं यहाँ पर 2020 में पास आउट हुई हूँ जी। 17 और से 2020 तक आप यहाँ पे थी। अच्छा, मेरा तो यहाँ पर बहुत सबसे अच्छे मोमेंट्स यहाँ पर बीते हैं। और आपने तो कंटेस्ट भी किया था। तो मैंने इसीलिए आपको चुना क्योंकि आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी। अच्छा, पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कितनी सोसाइटीज, मतलब कौन कौन सी मेजर सोसाइटीज़ हैं यहाँ की? मूटको सोसाइटी सबसे ज़्यादा फेमस है जी। नाम क्या? लूथरा जो उनका मेन होता है इवेंट, बहुत ज़्यादा फेमस इवेंट है जी। इसके अलावा वी हैव लीगल एड सोसाइटी ऑल्सो, डिबेट एंड डिस्कशन सोसाइटीज ऑल्सो जी। और लीगल एड सोसाइटी काफ़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती रहती है टाइम टू टाइम, और अभी भी उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह अभी अभी कंप्लीट हुए हैं। फ्रेशर्स को पता होगा, स्टार्टिंग भी होती रहती है उनके इवेंट्स की जी जी जी। तो ऑनलाइन है सारी इनकी, सबके पेजेस बने हुए हैं। हाँ, तो अभी अभी तो जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे हमारे ही साल का, हमने तो सिर्फ 1.5 साल कॉलेज लाइफ जीती, आपने तो फिर भी लगभग 2.5 साल से ऊपर कॉलेज लाइफ को एंजॉय किया। तो कैसा एक्सपीरियंस था, क्लासेस कैसी चलती थी, प्रोफेसर्स कैसे थे? यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं, क्लासेस ठीक है, ऑन एंड ऑफ चलती रहती हैं। अच्छा, क्या ड्यूरेशन होती थी एक क्लास की, एक लेक्चर की? क्योंकि CLC की टाइमिंग थोड़ा सा डिफरेंट है ना। CLC का टाइमिंग मतलब डिपेंड करता है, कभी 9 से 12, कभी 4 बजे तक क्लास जा रही है। ज्यूरिसप्रूडेंस फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को भी देखने को मिलेगा। अच्छा, सदमा लगेगा, चलती रहती है लेट तक। और हमारा ये बुक शॉप, हाँ जी हाँ जी, ये बुक शॉप बुक्स मिलती रहेंगी बिल्कुल। अच्छा, बुक्स हाँ। अच्छा, ये वो जो खोपचे में बंद सा दिख रहा है वो चाय का था। और यहाँ पे भी कहीं आर्ट्स फैकल्टी की तरफ वाला जो गेट है वहाँ पे भी चाय वाला है। अच्छा, मूड कोर्ट सोसाइटी है CLC की, मूड कोर्ट रूम। और ये प्रोफेसर उषा टंडन मैम जो यहाँ की शायद इस समय डीन भी है, और ये लीगल एड सोसाइटी का है पूरा। तो अभी ये तो बंद है क्योंकि हम आ गए हैं गलती से सैटरडे को। और वो जो सामने आपको दिख रही है ये लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी भी आज बंद है। तो आज आपको अंदर का तो कुछ नहीं दिखा पाएंगे, बट हाँ लाइब्रेरी अच्छी है ना CLC की। CLG अच्छा मतलब, और LC2 की तो जैसा हमें पता ही लाइब्रेरी बहुत ख़राब थी हमारी। और अच्छा, यहाँ का यूनियन ऑफिस भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा, फंड वंड, जैसे कि आपने कंटेस्ट किया था इलेक्शन, तो आपको पता होगा फंड वंड कैसा आता है यहाँ पे, क्या आता है फंड? क्योंकि फेस्ट वेस्ट तो यहाँ पे अगर UG वाले अगर बच्चे आते हैं तो उनको लगता है अरे क्या ही है ये। फंड नहीं है, लगभग कितना 1.5-2 लाख रुपए का फंड आता है, और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी के पास 1.5 लाख का फंड आता है, ऐसा कुछ होता है। वैसे मुझे पता है सारी चीजें, क्योंकि मैं भी था कभी इन सब चीजों में। तो हाँ, तो ये बेसिकली आप ये देख सकते हैं, ये नीचे वाला पूरा पोर्शन है, ग्राउंड कॉरिडोर। अभी हम दिखाते हैं ऊपर, अभी ऊपर चलते हैं, क्लास रूम की ग्लिम्पसेस दिखाते हैं अगर आपको कुछ खुला हुआ तो। ऐसे दिन वीडियो शूट करने का सोचा जिस दिन ताले ही पड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल। तो अभी तो सब यहाँ पे बंद है, ये कॉरिडोर है, और यहाँ पे ऊपर से झांक झांक के आप नीचे की झलक देख सकते थे। मतलब बहुत प्यारा सा एरिया था, यहाँ पे ग्राउंड में सब बैठे रहते थे, इंजॉय करने वाले CLC वालों के पास ग्राउंड था, LC2 वाले बेचारे सड़क पर बैठ के काम चलाते थे। तो LC2 LC1 उनके पास ग्राउंड नहीं था, और CLC वालों के पास ग्राउंड था। सब बंद है अभी यहाँ पे, आप जैसे देख रहे हैं, क्योंकि हमने सैटरडे चूज़ कर लिया। ये भी अंदर से ही बंद हो गया, एक बहुत बड़ी भारी चूक हो गई क्योंकि आज है सैटरडे और सब कुछ बंद मिल रहा है। तो आप ऐसे ही बता दो क्लासेस कैसा, थोड़ा अगर LC1 या LC2 से कंपेयर करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा पुराना था यहाँ पे। हाँ, अंग्रेजों के समय से चली आ रही है ये। तो इसको पुरातत्व कालीन वालों को सौंप देना चाहिए अभी तक। तो और बाकी एक्सपीरियंस कैसा था क्लासेस का? जी, तो यहाँ पर लिखा होगा रूम नंबर के अकॉर्डिंग। हाँ, कि तो रूम नंबर यहाँ पर। और कुछ नए स्टूडेंट्स के लिए कोई, मतलब कोई अगर कोई कुछ ऐसा खोपचा हो या फिर ऐसी कोई चीज हो, तो रूम नहीं मिलेगा, उसके बैक साइड में भी मिलते हैं रूम। अच्छा अच्छा, बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होगी।
और मतलब कोई वो देना चाहो, मतलब कोई एक बेहतरीन मैसेज अपने जूनियर्स को कि भाई यहाँ पे आओ, मौज काटो और क्या करो, और प्लेस और अच्छा प्लेसमेंट का क्या है, प्लेसमेंट है यहाँ पे कि कुछ नहीं है? यहाँ पर प्लेसमेंट सेल भी है, वो भी रजिस्ट्रेशन होते हैं उसके, एट द एंड इंटरव्यू वगैरह लेने कंपनीज आती हैं। अच्छा, मतलब बस काम चलाओ यहाँ से। मतलब कहना ये है कि यहाँ से आप डिग्री उठाइए और डिग्री मैटर करती है, मेहनत करिए और आगे बढ़े, और सीएलसी है, ब्रांड है, ब्रांड बना हुआ है क्योंकि ये कैंपस में ही था हमेशा से। चलिए ठीक, ये क्या है आपका? अच्छा, ये होते हैं। अच्छा, बस इतना ही? और क्या? हाँ हाँ, अच्छा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो हमने बात नहीं करी, वो फीस का क्या क्या सा सीन है यहाँ पे? मतलब अगर यहाँ पर फीस और अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम है, मतलब अगर मैं बोलूँ 7,000 एक साल का, हाँ तो मतलब अगर एक तरीके से देखा तो 20,000 के अंदर आपकी LLB कम्प्लीट होगी, वो भी हाँ बिल्कुल। ओके, और आज आपने वीडियो के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बेसिकली आज हमारी किस्मत इतनी ख़राब थी कि आज सब कुछ बंद था, सैटरडे था और मंडे मेरे को कहीं निकलना है, तो मेरे पास आज ही का टाइम था, कल भी बंद रहेगा सब कुछ। तो अभी हम ये आप दिखा दे रहे हैं कि ये आर्ट्स फैकल्टी के लिए एक छोटा सा रास्ता, और यहाँ पे भी आप टपरी पे बैठ सकते हैं और यहाँ पे चाय पी सकते हैं, ये बेहतरीन से एरिया है। और यहाँ पे छात्र संघ का ऑफिस भी है, यही छात्र संघ का ऑफिस है आपके, अभी काफ़ी गंदा सा दिख रहा होगा, कैंपस लॉ सेंटर के जो अभी तक प्रेजेंट हैं, अभी हैं कि नहीं अब मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि लास्ट प्रेजेंट तो यही थे, तो अभी भी प्रेजेंट हैं क्योंकि अभी पोस्ट तो यही होल्ड कर रहे हैं। LC1 वालों का भी यहीं पे यूनियन था शायद, और बस LC2 वालों के पास कुछ नहीं था, LC2 वाले ऑफिस के लिए डिमांड करते रहते हैं हर बार। और ये आर्ट फैकल्टी के लिए पूरा रास्ता है, ये जा रहा है पूरा आपके सामने दिखेगा, ये जो पूरा रास्ता है ये आर्ट्स फैकल्टी की तरफ जाता है, वो विवेकानंद की मूर्ति के पास जाके सेंट्रल लाइब्रेरी पे मिल जाएगा आपको। तो ये बेसिकली लॉ सेंटर 1 का बोर्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे लॉ सेंटर 1 है, ये जो कैंपस लॉ सेंटर के बगल में ही, और इसमें भी कुछ क्लासेस चलती हैं कभी कभी क्लासेस आपकी इधर चलेंगी, बाकी का समय उधर ही रहेगा। ये हल्का सा कैंटीन का ग्लिम्सेस है, यहाँ पे लोग बैठे ही हैं बस, और कुछ नहीं है। तो जो ऑफिशियल वर्क होते हैं वो यहाँ से होते हैं। LC1 का मैं दिखाता हूँ आपको हिंट हल्की सी, LC1 के जो लेक्चर्स होते हैं वो इस तरफ भी होते हैं, और जो उमंग भवन की बिल्डिंग थी जो मैंने LC2 के साथ दिखाई थी वहाँ पे भी लेक्चर्स होते हैं। तो यहाँ लॉ सेंटर 1 के लेक्चर्स होते हैं काफ़ी। तो ये देख रहे हैं आप, ये मतलब ठीक ठाक एरिया सा लगता है मेरे को, प्यारी सी जगह है, शांति है काफ़ी, मतलब कैंपस टाइप का फील आता है, बट हाँ काफ़ी छोटा सा है क्योंकि LC2 की और LC1 की बिल्डिंग सेम ही है लगभग। तो यहाँ पे भी चलती है LC1 की क्लासेस कभी कभी, कुछ क्लासेस यहाँ पे LC1 की होती हैं, जैसा लिखा है Classroom Number 1। और ये ऑफिस यहाँ पे सारे जो भी आपको काम होगा वो यहीं से होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, बैठे हुए देखो 17 फरवरी से आपको आना है कैंपस, बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत प्रोटेस्ट किया हम लोगों ने आपके लिए, चलो एन्जॉय करो, ठीक, बाय बाय।